रट बेवन बस ए ई क्या भया बस कमई की मेवी खाद काश करे छई न करिन काश करी न नादिनी शम त्रावई मेचस परखई शम करनमच एजगे पेड़ येची खाद बकार आइसे तेजी खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मेचसन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने वित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यिन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचाव नस करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रेबत कैम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम अज़ुक कृषि चैनल प्रोग्राम हेत चाहे तुहद खदमत मज हाजिर दोस्तों ज़रात वदबद दिन खतर पोछर दिन खतर प्रत पन्ने तरफ कोशिश करान ये जमींदार बाग वोल सब्जी वपदान वोल मैदान माल रचन वोल या ये मुख्तलिफ महकम कोशिश करान तुहद अमल कोशिश करान जरियो तिंद साइंसदान कोशिश करान जत ज़रात गोस पोछर लगन तत ये कत जहनस मावन यम जन जानकारी कैंप मुनद कर मुख्तलिफ महकम तरफ तिमन अहमियत आसान अति इंसानस फिक्र तरान जो यु जन टेक्नोलॉजी कित पा सह पाना तो यह कह फायदे बख्श सान खात तो ओत आमुत किसान डेवलपमेंट बोर्ड तरफ हॉर्टिकल्चर महकम के अथवा से बागवाल हंद खतर हॉर्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबागस अंदर अक जानकारी प्रोग्राम सज कर यह सिलसिल में कर करोन बेदार यह जमींदार यह बाग वोल करोन बेदार जे कित पाठ वनकस यमो प्रोग्रामों निश फायदे तुलन अत मौक पे बज एग्रीकल्चर महकमे फाइनेंस कमिश्नर अतुल डलुवन कह नसीहत आमोज कथ तो इन अलव अत डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर गुलाम रसूल सब मौजूद आज तो बेस किसान डेवलपमेंट बोर्ड सेक्रेटरी अब्दुल हमीद सब मौजूद यमो तर ख्याल बात अत मौक पे पेश सिलसिलस मज ये तफसीली रिपोर्ट काश्तकार बहबूदी तो पापर जे ये खतर चे महकम तो इदार थेकन लायक कम करान यमन मंज जम्मू एंड कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान शामिल छो किसान बोर्ड छु वहरी वरिया जमींदार हिंद फायदे खतर वारिया प्रोग्राम चलावान पत्मो केंसो वरियो पे रूद यह बोर्ड वारिया मुतहरक तो कर्क जमींदारन हिंस आमदनी बढ़ाने तो मयारी जिंदगी बेहतर बनाने खतर वारिया इकदाम इन प्रोग्रामन दौरान जमींदार पनिन ख्यालात तो तासुरात मुतलक हकामन ताम वातनामन भरपूर कोशिश करान अत सिलसिलस तहत उस हाल हाल किसान बोर्डन कशीर हिंदन मुख्तलिफ जिलन सालुक थावन वालन बाग वालन खतर अख बेदारी प्रोग्राम सज कोरमुत यम सारी बाग वाल सपद गोड महकमे हॉर्टिकल्चर किस राजबाग किस दफ्तर में जमा अम वक्त अत फाइनेंशियल कमिश्नर जरात अटल डुलू महकमे बागबानी हिंद डायरेक्टर गुलाम रसूल मीर किसान डेवलपमेंट बोर्ड सेक्रेटरी अब्दुल हमीद सब तो बाकी कह अफसर मौजूद यमो कर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री हिंस अहमियत तो अम प्रोग्राम मुदाओ मकसद बयान तो कुरुक मेहमानन हुंद खैर मुकदम ये बोर्ड जनाब की यहाँ गवर्नमेंट की एक रिजालू हुआ कि इस बोर्ड को एक प्लेटफार्म के रूप में किसानों के पास बनाया गया है। ये एक कॉमन प्लेटफार्म तमाम डिपार्टमेंट्स के और फार्मर्स के दरमियान कर रहा है ताकि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको मदद लगती है इस बोर्ड के माध्यम से प्रस्पेक्टिव प्लानिंग के लिए और हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रिसर्च वर्क करने में ड्राइव में मदद करता है सो दैट दे डिसाइड देयर रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक जो उनको किसान भाइयों से और हमारे बोर्ड मेंबर्स से मिल रहा है। जरूरी है सर जब तक ना हम इन ये गवर्नमेंट का एक ये सबका साथ सबका विकास का एक नारा रहा है कि जब तक ना हम बैक टू विलेज जाएंगे हमारे ऑफिसर्स वहां जाएंगे फार्मर्स के साथ मिलेंगे तभी मुमकिन हो सकता है कि हमारी यहाँ जो हमारी हॉर्टिकल्चर एक बैकबोन है इसकी तरक्की हो और जिसका ज्यादा फोकदान है इसका ये है कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। हमने हॉर्टिकल्चर जुड़े से किसान हमने लिए हैं 15-15 किसान हर एक डिस्ट्रिक्ट से लिया है टोटल 150 किसानों का हमने एक ग्रुप बनाया है। पहले सर 2017 में हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर यहाँ है जिनका पायनियर रोल रहा है
हाई डेनेस्टी में, हाई डेनेस्टी का ज्यादा रोल उन्हीं का रहा, उन्होंने ही वहां इसका इजाद किया, फिर हमारे फार्मर्स तक पहुंचाया। वहां हमने 2017 में एक ग्रुप 100 फार्मर्स, वो हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला से लिए थे, फिर कोविड की प्रॉब्लम की वजह से एक लिंक तोड़ा। अब अल्लाह का शुक्र है कोविड खत्म हुआ, हम वो लिंक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के माध्यम से हमने ये लिंक दोबारा स्टार्ट किया है। जनाब को मैं, क्योंकि टाइम कम है, हमारा मेन फंक्शन हमारी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेट में है, मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर को दो मिनट में रिक्वेस्ट करता हूँ। ही हैज ऑल्सो ज्वाइन टूडे, ही वॉन्ट्स टू वेलकम यू। सर, आई ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर वेलकम यू हेयर सर। दिस वन डे प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाई द डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर, advisory board for development of kisans and institute of temperate horticulture rangret. Around 150 progressive horticulturists have been brought from 10 districts of kashmir division. Har ek district se sir 15 progressive orchardists ko, horticulturists ko bula hai is program ke liye. तो ये प्रोग्राम जो है, वी नीड सच प्रोग्राम्स टू बी कंडक्टेड, ताकि जो टेक्नोलॉजी हमारी है दैट इज डिसमिनेटेड टू द ग्रास रूट लेवल, टू द ग्राउंड लेवल। आई फॉर्मली वेलकम यू हियर सर, मेन फंक्शन इज एट रंगरेट। यहाँ पर आए हुए प्रोग्रेसिव फार्मर्स कश्मीर वादी के 10 जिलों से, तो मुझे ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपसे मिलने का मौका मिल रहा है पहली बार। और ये किसान एडवाइजरी बोर्ड को मैं मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। आपका एक दिन का वर्कशॉप और यहाँ का टूर ये मुनाकिद किया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ने कई तरह की तरक्की की टेक्नोलॉजी आपके सामने लाई हैं, जिनके नताइज आपके सामने हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे रंगरेट में पहुंचकर। लेकिन कई तरह के इस तरीके के हॉर्टिकल्चर के जो तरीके हैं वो उन्होंने आपके सामने लाए हैं, जिससे पैदावार काफ़ी गुना बढ़ जाए और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उसकी इनकम बढ़ सके। जो सरकार की मंशा है वो ये है कि खास तौर से जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिसके पास छोटे छोटे लैंड के पार्सल्स हैं, 10 कनाल, 15 कनाल, 5 कनाल, 20 कनाल, ऐसे इन लोगों की इनकम कैसे बढ़ाई जाए और उसके लिए कैसे टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई किया जाए, टेक्नोलॉजी को उनको उन तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि उनकी इनकम बढ़ सके, बेटर प्रोडक्टिविटी से, ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग से, प्रोसेसिंग से, कलेक्टिवाइजेशन से, कैसे उनकी इनकम बढ़ सके, ये हमारी प्रायोरिटी नंबर वन है। नाजरी मोहतरम, तो इस रिपोर्ट वुछान है किसान डेवलपमेंट बोर्ड तरफ जो जन मुनद आम तो कर जानकारी कैंप बागवाल हंद खर तो यह रिपोर्ट जारी गोड पेश यह जानकारी वक्फ क्या कर आ आ आ आ अहम सर अच्छा बुधरा सिंह अच्छा आ ठीक छु आ ठीक छु आ कसे तेसी आसान आसान कथ करन किसान कॉल सेंटर महरस निशोसु जमींदारी मुतलक सलाह मशवर रटा सुबहन ते रातस ते किसान कॉल सेंटर छु सुबह छे पेठ रात सजन धन वजन ताम यल रोजान आत्वर ते अहन भी वरियस त्रात पांच हट दो यल रोजान तो फोन ने चीज जा बिल्कुल बाहरे हते किसान कॉल सेंटर इश खदमत छ मुफ्त मगर ते क्या छ की सोरे के प्रचार मैं बात से बदले क्या था काशकार भाई करें जमींदारी मुतलक मसलन हूँ पन्ने जबैन में फिलफौर चार करने खतर दुरुस्त भारत में कुंते फोन पर कौमी हेल्पलाइन नंबर 8000855521 पर रेप कायम काशकार हूँ दोस्त किसान कॉल सेंटर।
नाजरी मोहतरम जानकारी वक्फ ब्रो तुम वो रिपोर्ट जन अस तैयार कोमुत कृषि दर्शन टीम जन हाल हाल मुनद आमुत कर बेदारी हूं प्रोग्राम जानकारी हूं प्रोग्राम किसान डेवलपमेंट बोर्ड तरफ तो कोशिश प्रथ वि यह कर जन यह डेवलपमेंट बोर्ड या मकम आमस जमींदारस अमलिस कमिस काशकार गो फायदे वात बाग वालस गो फायदे वात तो जन अमिच दोम निशस्त गई मुनद सितस मजन तिकाज जन यह प्रोग्राम जानकारी प्रोग्राम यह अत हॉर्टिकल्चर कम्प्लेक्सस मज पत आव यह अमुक दोम निशस्त सितस मज मुनद कर सित के अथवास तव यह मुनद कर अत रिपोर्टस मत कर् मुख्तलिफ जन अत स वाबस्त तम सत चाहे सह जमींदार साइंसदान अत मुख्तलिफ महकमन हंद सरबराह तम सह मगर जन यह हॉर्टिकल्चर बोर्ड अमि तरफ पन कोशिश कर अमिस कमलिस काशकार सहूलियत वात आसाइश वात तो अमे दोम निशस्त तफसली रिपोर्ट तुंद खु तैयार कोमुत तो पेश यह तुम वो तो सपद महसूस इब्तदाई तारुफ पत आए लगभग यम डोड़ हथ तरक्की पसंद बाग वय झंड हावित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कुन रवाना करने अवेयरनेस प्रोग्राम अहम तकरीब सपद सित किस हालस मज मुनद अत तकरीब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू वीसी स्कॉस्ट प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर गुलाम रसूल मीर तो किसान बोर्ड सेक्रेटरी अब्दुल हमीद बतौर मेहमान खसूसी मौजूद सित किस डायरेक्टर ओपी शर्मा अलाव कर मुख्तलिफ महकमन हिंदो सरबराहो तो माहिरो अत तकरीब मज शिरकत डायरेक्टर सितन तो अतको साइंसदानो त्र बागबानी शोबस मज अम तहकीकी इदार किस रोलस पे रोशनी यह कतस थव लायक मुख्तलिफ मेमन हंद मयार बेहतर कर मकदार बढ़ाने खुद जानफशानी सान काम करान अत मौकस में कोर मेहमान खसूसियन पन्न खयालातन हंद इजहार तो वोनु हॉर्टिकल्चर सेक्टर आला मुकामस तम वातान खुद इन हर मुमकिन इकदाम कर तमो दुत बाग वाले पे जोर जम अन जदीद टेक्नोलॉजी वर्तवस युत जन जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर के एतबार बैन अवी सुतरस पे तम वाते हमने कुछ आइडेंटिफाई किए इन प्रॉब्लम्स क्योंकि वो प्रॉब्लम्स सर तभी हम उनका सलूशन तभी हो सकता है जबकि हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट साइंटिस्ट और फार्मर्स एक ही प्लेटफार्म में आकर इनकी गुफ्तगू करेंगे सुनवाई होगी तभी सर ये पॉसिबल है जो ये बोर्ड ने सर रियलाइज किया इवन हमारी गवर्नमेंट की भी यही उन्होंने भी रियलाइज किया कि जिसमें बैक टू विलेज का कंसेप्ट आया है हमारे ऑफिसरों को जब तक नहीं क्योंकि सर हमारे जो किसान है जो हमारा अभी भी चल रहा है कि इनके पास एंड्रॉयड फोन्स है नहीं है सर जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम अभी भी वो उनके पास रीच में नहीं है क्योंकि दे हैव गॉट सिंपल फोन्स पॉसिबल सर यही है जब तक ना हम इनको आमने सामने लाएं उनके फील्ड्स में जाएं जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है उसका डिसिमिनेशन हो तभी सर हमारा विकास होगा तभी सर हमारा जो ख्वाब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है और स्पेशली हमारी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन हमारी जो डिस्पेंसेशन प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है ख्वाब है कि इनकी इनकम डबल होगी तभी सर वो मुमकिन है जब तक ना हमारे साइंटिस्ट जो यहाँ नॉलेज है जहाँ ये टेक्नोलॉजी है जब तक ना सर ये हमारे फील्ड में पहुँचेगी इसीलिए सर ये आज हमने मौका दिया हमने किसान आपके सामने लाए हैं सर बोर्ड ने कोशिश की है कि इन फार्मर्स जब से ये बोर्ड बना है एक कॉन्फिडेंस हमने बिल्ड इनमें की क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां हमारे एचओडीज भी मिलते हैं आमने सामने मिलते हैं आमने सामने बात होती है ये पूरा 2010 से इसका प्रयास हो रहा है और 2010 से हमारी मीटिंग्स रेगुलर होती है बोर्ड के साथ इट इज नॉट ओनली एग्रीकल्चर सर इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है शीप भी है फ्लोरिकल्चर भी है हनी के साथ कोई है कोई फिशरीज के साथ है सब यहाँ आके इनके साथ अब वो लोग अपनी बात रखते हैं और एचओडीज को जो हमारी डिपार्टमेंट्स है इनको बड़ा आसान होता है कि इनकी प्रस्पेक्टिव प्लानिंग कैसी होगी
इनमें बोटल नेक्स हमारी जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, जो जब ये इम्प्लीमेंट होती हैं फील्ड में, बहुत सारी वहाँ बोटल नेक्स होती हैं, वो इसी बोर्ड के माध्यम से वो हाईलाइट यहाँ होते हैं, वही इश्यूज फिर जनाब हमें आराम होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इवन जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं इनको भी जो साइंटिफिक रिसर्च में मदद मिलती है, हाउ टू मेक द प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग इसकी कैसे आगे हो जाएगी, इट हेल्प्स देम। अम वज कहो बाग वालो तन खयालत पेश तो वतलु तम मसल तम हॉर्टिकल्चर शोबस मं दरपेश महरो तो अफसरों बूज यह मसल गौर सान तो दुक बाग वाल यकीन जमन पे यी हमदर्दान गौर कर। मेरे लिए खुशी का बायस है ये कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गया आज। जैसे आप सब लोग जानते हैं हॉर्टिकल्चर बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, तो इंशाल्लाह हम एक साथ मिलके हमारे ऑफिसर जो फील्ड में हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स, आपके साथ इन रेगुलर टच रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाए। आते ही जब यहाँ इस इंस्टीट्यूट में हम आ गए तो एक टूर इन्होंने कराया हमें इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डिफरेंट क्रॉप्स की इन्होंने दिखाई, एप्पल की, वालनट की और बाकी फ्रूट क्रॉप्स की। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि ये रिसर्च जो यहाँ पे हो रहा है, वी नीड टू टेक इट टू ग्रास रूट लेवल। हमें इसको अपने इस डिवीजन के या पूरे स्टेट के कोने कोने तक ले जाना है। वाइल वी हैव टू प्रमोट कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़, अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज़, डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, शैटरिंग रेजिस्टेंट वेराइटीज़, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, ये सब करने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम हमें अपना लोकल जर्म प्लाज्म जो है उसको प्रिजर्व करने की भी ज़रूरत है। तो सिथ जो है, दे हैव बीन डूइंग अ वेरी कमेंडेबल वर्क जो यहाँ पे देखने में आ गया। बट जैसे मैंने पहले बताया, वी नीड टू प्रोपगेट इट टू द फील्ड, और ऐसे इंट्रैक्शन प्रोग्राम्स करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि नॉलेज जो है इट विल नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द लेबॉरेटरी, ये फील्ड में चला जाएगा। बाकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आई एश्योर यू कि हम सब लोग मिलके कोलैबोरेशन के साथ जितने भी इश्यूज है, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। आपका कोई इशू होगा तो हमारे ऑफिसर्स आर अवेलेबल, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी। कोई भी कहीं सी जगह पे जो प्रॉब्लम आ रही है तो मिल बैठ के हम इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। अगर हम इस एप्पल सेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, जो हम अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम समझते हैं, और हम फख्र से कहते हैं कि इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन एप्पल प्रोडक्शन, और जबकि अगर इंडिया है तो 70 or 75% ऑफ द एप्पल निकलता है जम्मू कश्मीर से। तो हमारा टारगेट है कि जो आज का हमारा टारगेट ये है कि हम जम्मू कश्मीर को सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल दुनिया में कैसे बना सकते हैं, सेकेंड नेक्स्ट टू चाइना, एंड वी शुड हमें कोशिश करनी चाहिए, और हमारे में पोटेंशियल है, हम यूएसए को भी पीछे छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे 23 लाख टन एप्पल हमें निकलता है तो यूएसए में ज़्यादा नहीं निकलता, इट इज़ जस्ट 46 लाख टन, 46 लाख टन वहाँ निकलता है। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो 8 से 10-12 टन तक है टोटल, जो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड सिस्टम है। लेकिन जो गवर्नमेंट इतना बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे लाए, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, और शायद ही शायद बाकी स्टेट्स में कुछ ऐसा हो रहा होगा, जो सपोर्ट हमें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को मिल रहा है, और खासकर हॉर्टिकल्चर में। और इसमें ये पोटेंशियल है कि 10 टन से लेके 60 टन, मिनिमम कम से कम 60 टन तक हम इसको ले जा सकते हैं। इसका मतलब 6 गुना इसकी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, मतलब इसका इंक्रीज होगा। तो जो वो हमारा प्रोडक्शन था वहाँ पे 20 लाख टन, वो तो आप देख लीजिए कहाँ पहुँच सकता है। और उसके बाद जो हमारे ट्रेडिशनल आर्चर सिस्टम है, जो ओल्ड है, और सिनाइल आर्चर्स है, एक और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने बनाई है, और शायद यहाँ पे सिद्ध के साथ में सर, वो रिजुनेशन ऑफ और ओल्ड आर्चर सिस्टम्स। और मेरे कई सारे जो हमारे आर्चरिस्ट हैं, वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे लोग जो वहाँ पे गए और उनके पुराने आर्चर्स को उन्होंने दोबारा से रिजुनेट कर दिया। सर एक बार हमने एक्सपेरिमेंट ही किया था, हमारा एक डीबीटी का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो बिना उनको उखाड़े, बिना उनको खत्म किए, हम उनकी भी पोटेंशियल जो 8 से 10 टन तक, वो भी कम से कम 20-25 टन तक पहुंच सकता है। इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पूरा प्रोडक्शन है, इसको हम 50 लाख टन से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एंड वी शुड रिकॉर्ड जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन द वर्ल्ड।
कि पिछले साल हमने 120 ट्रेनिंग में से हमने करीब 3500 सब ट्रेनिंग्स करी, वो बिल्कुल मल्टी फेरियस एक्टिविटीज थी। उसमें आपका एपिकल्चर था, इसमें प्रूनिंग था, उसमें नर्सरी मैनेजमेंट था, इसमें डेयरी था, इसमें शीप था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग्स। लेकिन यहाँ मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ आपसे, हम अभी तक पढ़ा रहे थे बच्चों को जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, जो कोई बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, वो जो चलता रहता हर जगह, बट देन सर फ्रॉम दिस ईयर यू नो वी आर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट दैट हमारी यूनिवर्सिटी एक मैसिव स्केल पे वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स में हम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और प्रोग्राम शुरू करें, एंड हमने सर आइडेंटिफाई करिए कम से कम मोर देन 70 से ज्यादा स्किल कोर्सेज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और इस साल से हम शुरू करें। और वो लोग होंगे कौन, जो हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं गाँव में, और उनको हम ट्रेन करेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपसे आपके साथ बैठकर बात करने की। सबसे पहले मैं मुबारक दूंगा सेक्रेटरीज एडवाइजरी बोर्ड फॉर किसान उनको कि उन्होंने इस मीटिंग का इंतज़ाम किया। उन्होंने उनका कंटिन्यूस एक रबता रहता है प्रोग्रेसिव फार्मर्स के साथ, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर को, डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ये एक बड़ी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये इस तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे, ताकि जो कनेक्ट है फार्मर्स का डिपार्टमेंट के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडस्ट्री के साथ या इंस्टीट्यूट के साथ, ये कनेक्ट बना रहे और ये मजबूत हो। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स के साथ इंटरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी करें, तो आगे जाकर हमारी कोशिश होगी। और सिर्फ वहाँ सिर्फ हॉर्टिकल्चर की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, तो फार्मर्स से बैठकर उनसे बात सुनेंगे, उनकी क्या डिफिकल्टीज का सामना उनको करना पड़ रहा है और उनका कैसे हम उनके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ किसान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ये कनेक्ट बनाने में, खास तौर से एक्सटेंशन जिसकी बात वाइस चांसलर साहब ने भी की, नई वैरायटीज का पॉपुलराइजेशन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फीडबैक, जो फार्मर्स का फीडबैक है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो वैरायटीज़ नई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ देते हैं, ये कहाँ तक कामयाब है, फार्मर्स को कितना फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पर हमारी पॉलिसीज़ में कमी है, कहाँ पर हमको पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सारा चीज़ सबको तभी पॉसिबल है अगर ये किसान बोर्ड एक्टिव होगा और हमारा इंटरेक्शन किसानों के साथ बरकरार रहेगा। दूसरा, जहाँ तक बात है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर की, ये रिसर्च प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हैं, इन्होंने क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्शन प्रोटेक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, ये ट्रेनिंग का काम भी करते हैं। और इनकी जो कामयाबी है वो आपने इनकी प्रेजेंटेशन में देखी, इन्होंने कश्मीर के लिए क्या क्या काम किया है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो इन्होंने नई वैरायटी दी है जो हमको एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो प्रोडक्टिविटी होगी वो दे सकती है, उस तरीके की वैरायटी इन्होंने डेवलप की है। और मुझे लगता है कि बादाम की प्रोडक्टिविटी हमारी कई गुना उससे बढ़ सकती है। वॉलनट की बात करें तो आपने खुद ही ये सुना अभी, कई लोगों ने अभी कहा कि वॉलनट में हमारी वैरायटी तो कोई है नहीं, हमें मिक्स्ड है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर वैरायटी चेंज होती रहती है, तो इसमें भी वैरायटीज लाने का काम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ने काफ़ी काम किया और 10 वैरायटीज इन्होंने रिलीज की हैं जिससे फार्मर्स को काफ़ी हद तक फायदा हुआ है। एप्पल में जो रिवोल्यूशन आया है हाई डेंसिटी एप्पल का, इसमें भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, और इसमें और भी काम काफ़ी चल रहा है। अभी जो वैरायटीज़ कश्मीर की बड़ी पॉपुलर हैं, जैसे आप जानते हैं अम्बरी सेब, उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहे उस पर भी काम चल रहा है। इसको स्कैब रेजिस्टेंस और इसका कलर को इम्प्रूवमेंट करने में क्या करने की ज़रूरत है, वो अगर हम अचीव कर सकें तो मुझे लगता है कि जो वैल्यू हमको अम्बरी में मिलता है वो कहीं गुना ज़्यादा और मिल सकेगा। एप्रिकॉट में वैराइटीज़ उन्होंने बनाई हैं, हमने इनके बाग में देखा। चेरी और स्ट्रॉबेरी का काम इन्होंने किया है, सैफरन का काम इन्होंने किया है, उसमें इन्होंने प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ाई है। और ये दूसरा मैं कहूँगा कि जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का सवाल है,
हम सभी जानते हैं कि ये कश्मीर, खासतौर से कश्मीर वैली की एक इकोनॉमी की बैकबोन बन रही है, कि 20 लाख टन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होना, कोई 10,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन, 7% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। जैसा कि अभी एक स्पीकर ने कहा कि ये 10,000 करोड़ जो है इसको 60,000 करोड़ तक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारे कदम उठाने की ज़रूरत है और मिल के कदम उठाने की ज़रूरत है। फार्मर्स को कुछ करना है, कुछ डिपार्टमेंट्स को करना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को करना है, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को करना है, कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशंस को करना है, वो सब मिलकर हमको करना पड़ेगा। नाजरी मोहतरम, तो इस रिपोर्ट वुछान आज किसान डेवलपमेंट बोर्ड तरफ जो जन मुनद आम तो कर जानकारी कैंप बागवाल हिंद खत तो ये रिपोर्ट जारी गोड पेश ये जानकारी वक्फ। अरे हर को वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाजरी मोहतरम, अत मौकस पे कर मुख्तलिफ दोस्तन सत्य कत चाहे सह बागवल या अत किसान बोर्ड जन सेक्रेटरी अब्दुल हमीद सब तम सत मौक कत कर या डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर महकम तम सव मौक कत कर तो तमो पन ख्याल बात कर तमो कृषि दर्शन टीम कर कैंसन जमींदार समो बन तसरत ये आये शुक्र गुजार आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट यथ मज जनाब अली ऑनरेबल एडिशनल सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डोला साहब और बी एस जनाब अली एग्रीकल्चर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर बी एस वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनई सोब इमो दुत ट्रेनिंग प्रोग्राम आ यथ बारस मज कि हॉर्टिकल्चरस मज क्या क्या स्कीम से नई नई आम सो आज हाई डेंसी अत हा मेवस रेट मार्केटस मजा इस सोन प्रोन मेव बाग से तम बुत आज रेट तीचाती कुल वो नो ट्रेनिंग हे आज कि कुन तो तवजह दिन अड़िस जमीन मन हाई डेंसी प्लांट पजन लागन नो नो मेव नई नई क्वालिटी ताकि ये रेट डबल यमो सायद वाता जुन योत ये हेचुन ये फेरन योत क्या हेचुन तेंसा फ्राम कुपवारा डिस्ट्रिक पे और कुपवारा मशहूर वनस वालनट्स मज अमस अत रिक्वेस्ट पनस वाइस चांसलर सोबस कि दी तो हाई डेंसिटी वालनट दी तो हाई डेंसिटी कपवरस मज तम तक ज्यादा पोटेंशियल तत् प्रयास उस गवर्नमेंट अत मे किसान बोर्ड आमुत बना दह यह कॉमन प्लेटफार्म आमुत दिन किसान ये जुड़ान लिंक बना तमाम डिपार्टमेंटन फार्मरन यम तमन सुड़ित ताकि अम सन डिपार्टमेंटन पता लगान कि अगर अस सान स्कीम गवर्नमेंट स्कीम क्यों कोतही बोटल नेक्स या कि इम्प्रूवाइजेशन जरूरत अमि बोर्ड के माध्यम सतन पता लगान अस क्या इम्प्रूवमेंट करें अम स्कीम जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट किसान हंद बा दोस्तों सत वो अज प्रोग्राम वक्तान इनशाला सपद तुंदिस खदमत मज आंद प्रोग्राम हेत हाजिर तो इजाजत असलामु अलैकुम।